तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एक नया YouTube चैनल कैसे क्रिएट करें, सारी सेटिंग के साथ में एक नया YouTube चैनल कैसे बनाएं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा दोस्तों बस। लेकिन आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक वॉच करनी है दोस्तों, आपको मतलब देखनी है, वरना आप लोग कभी जीवन में भी ये चैनल तो बना लोगे, ये सेटिंग भी नहीं कर पाओगे इस चैनल की। जो सेटिंग रहती है ना चैनल की दोस्तों, मिनिमम देखो लोग क्या काम करते हैं, चैनल बना लिया कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अपलोड करते रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं रहता है कि चैनल की कुछ सेटिंग ही करनी रहती हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये जो वीडियो बनाई है ना, इसी टॉपिक पे बनाई है दोस्तों, YouTube चैनल कैसे बनाएं सारी सेटिंग के साथ में। दोस्तों ऐसा होता है दोस्तों, जब हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जब हमारी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं दोस्तों, हमारा मन दुखी हो जाता है, यार वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं आ पा रहे हैं। वीडियो पर व्यूज़ इसीलिए नहीं आ पाते हैं दोस्तों, आपने चैनल तो बना लिया, उनकी कोई सेटिंग नहीं करी, कोई लैंग्वेज वगैरह डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं भरा दोस्तों आपने, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बस ये वीडियो आपको पूरा देखनी है जितनी भी है दोस्तों, आप लोग कुछ ना कुछ जरूर नया सीख करके जाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बिना समय नष्ट करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब में जाना है, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब में जाएंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे टैप करना है, ठीक है आपके। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ये ऐड अकाउंट पे टैप करना है, ठीक है यहाँ पे। जैसे आप ऐड अकाउंट पे टैप करेंगे ना दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके से लोडिंग चलेगी और ये पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, और यहाँ पे जाना है आपको जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, क्रिएट अकाउंट पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जाना है, ठीक है। जब आप इसको टैप कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के ओपन होगा। इसमें क्या है दोस्तों, आपको सबसे ऊपर में अपना नाम डालना है, ठीक है। इसमें अपना नाम डालना है और इसमें लास्ट नाम, ठीक है। जैसे कि ऊपर आपका नाम है नितिन, ठीक है, और नीचे में डालना है कुमार आपको, ठीक है। ये दोस्तों आपकी ईमेल बननी है अच्छे तरीके से ढंग से, आपकी सबसे पहले ईमेल बननी है, आपको ईमेल कैसे सेव रखना है सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पे टैप करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिन डालना है, ठीक है, कौन सी मतलब तारीख डालनी है यहाँ पर डेट, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर महीना सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर ईयर कौन से मतलब सन सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों जैसे आप सन सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आप इस पे जैसे आप टैप करेंगे, आपको अगर आप वॉइस हो तो मेल करना है, और अगर आप लड़की हो तो फीमेल, तो हम वॉइस है तो मेल कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने मतलब जो आप ईमेल बनाना चाहते हो, यहाँ पे आपको वो ईमेल बनानी है, ठीक है, अपनी ही खुद की ईमेल बनानी है दोस्तों आपको। यहाँ पे कोई आपकी पुरानी ईमेल नहीं खुलेगी, ना ही कोई कुछ गड़बड़ होगी, आपको ये ईमेल याद रखनी है जो आप बना रहे हैं, ठीक है। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों जैसे कि हमारी ईमेल बन चुकी है, उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको एक 6 या 8 अंकों का एक पासवर्ड बनाना है, कम से कम 8 अंकों होने चाहिए दोस्तों, और वो पासवर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे बनाना है कोई आपको 8 अंकों का, जैसे कि दोस्तों मैंने बना लिया हूँ, यहाँ पे देखिए मैं बना लिया हूँ, आपको दोस्तों ये पासवर्ड याद रखना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से लोडिंग चलेगी दोस्तों। हो जा भाई जल्दी से दोस्तों, वीडियो आपको स्किप ही नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जो आपकी कंट्री है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भर करके नेक्स्ट पे टैप कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भरने के बाद में नेक्स्ट पे टैप करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP एक 6 डिजिट का एक कोड जाएगा दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पर भरना है वो। और यहाँ पर दोस्तों कोड है हमारा ये, ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोड आ चुका है दोस्तों, और मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट पे करूँगा दोस्तों। जैसे दोस्तों ये इस कोड को भरने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे करता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा, आपको यहाँ पे यस आई एम इन पे टैप कर देना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप इसको टैप करेंगे, आपका देखिए ईमेल बन करके यहाँ पे आ जाएगा, और आपको नेक्स्ट पे करना है, यहाँ पर आई एग्री पे टैप करना है, आई एग्री पे थोड़ा लोडिंग चलेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर गूगल सर्विस,
उसके बाद में ये भी आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो ईमेल है ना वो बन करके रेडी हो चुका है। अब दोस्तों आपको चैनल कैसे बनाना है, उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ईमेल आईडी याद रखनी है और जो आपने पासवर्ड भरा है ना वो भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि फॉरगेट हो जाता है बट लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर टैप करना है। जैसे आप यहाँ पर टैप करेंगे उसके बाद में आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा, आपको यहाँ पे योर चैनल पे आपको टैप कर लेना है, ठीक है। जैसे आप योर चैनल पे टैप करेंगे आप देखिए यहाँ से आप अपना चैनल कैसे बनाओगे। यहाँ पे देखिए आप अपने चैनल का फ़ोटो भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम फ़ोटो ही लगाएंगे, यहाँ पे हम अपने उसमें गए गैलरी में और यहाँ से हम एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं इस वाले को और यहाँ पर सेव है फ़ोटो पर टैप कर देते हैं तो ये फ़ोटो यहाँ पे लग जाएगा। अब दोस्तों चैनल कैसे बनना है, दोस्तों चैनल बनाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, चैनल तो हर कोई बंदा बना लेता है बट बात रहती है उसकी सेटिंग की। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे टैप करना है, उसके बाद में आप अपने चैनल का जो भी नाम बनाना चाहते हैं यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम भरना है, ठीक है। आपको अपने चैनल का नाम डाल लेना है यहाँ पर, जो भी आप अपने चैनल का नाम सोच के रखे हुए हैं ना दोस्तों आपको यहाँ पर अपने चैनल का वो नाम भरना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर भर लेता हूँ नाम अपने चैनल का, अपने YouTube चैनल का जो भी यहाँ पे मैं भर लेता हूँ अच्छा सा नाम दोस्तों, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छा सा नाम भरना है, ठीक है, जो कि आपको लगे कि YouTube पर वो उस नाम से चैनल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भर के यहाँ पे ये सेव कर लिया है। उसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको ये दिखेगा हैंडल, आपके यूट्यूब चैनल का हैंडल, इस पर जैसे टैप करेंगे ना तो जो आप चैनल बनाओगे ना आपका यहाँ पर हैंडल खुद ही बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। और दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए क्रिएट चैनल पर टैप कर देना है। जैसे आप क्रिएट चैनल पर टैप करेंगे ना दोस्तों आपको थोड़ी देर लोडिंग चलेगी और आपका चैनल यहाँ पर बन जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों ये चैनल यहाँ पर बन चुका है दोस्तों। अभी यहाँ पर दोस्तों ये फ़ोटो जो लगाया था अभी यहाँ पर फ़ोटो नहीं आ रहा है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर देखिए चैनल तो बन चुका है दोस्तों, यहाँ पर अभी फ़ोटो नहीं शो कर रहा है, जो मैंने फ़ोटो लगाया था कुछ देर बाद दोस्तों वो भी शो कर जाएगा। अब दोस्तों बात आती है इसकी सेटिंग के बारे में। दोस्तों सेटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर से एक वाइट स्टूडियो ओपन करना है, जो कि आपके वीडियो व्यू सब्सक्राइबर वॉच टाइम सारा कुछ उसी में दिखेगा, ठीक है। ये जो ये वाइट स्टूडियो ही है और इसको हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे। सबसे पहले वाइट स्टूडियो में यहाँ पर हमने ये वाइट स्टूडियो में कर लिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर इसको टर्न ऑन कर देते हैं दोस्तों। यहीं पे आपको इसी में सारा कुछ व्यू भी सारा कुछ इसी में दिखेगा। अब दोस्तों चलते हैं सीधा इसकी सेटिंग की तरफ, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र दोस्तों इसी में सारा कुछ होगा, आपको यहाँ से आपको एक एक पॉइंट मिस नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद में ना आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं youtube.com और यहाँ पर आपका यूट्यूब भी आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब सर्च करना है यहाँ पर, ठीक है। YouTube सर्च करने के बाद में दोस्तों आपके सामने थोड़ा लोडिंग चलेगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको साइन इन करना है, ठीक है। ये क्रोम ब्राउज़र में अपना चैनल यहाँ पे कंटिन्यू एस, ठीक है, ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है ना दोस्तों। आगे मैं चैनल का नाम नहीं पढ़ सकता, यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको टैप कर लेना है दोस्तों। जैसे आप लोग इस पर टैप करेंगे ना आपके सामने फिर से इस तरीके से पेज खुलेगा और वहाँ पर आपके चैनल का फ़ोटोज़ नज़र आने लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखो यहाँ मैं पेंसिल को कर पा रहा हूँ, अरे क्या खुल रहा है भाई। तो दोस्तों मैं इसको ही कर देता हूँ, ठीक है, इस बबल को ही कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके चैनल का फ़ोटो आ चुका है दोस्तों। जैसे आप उस पर दोस्तों टैप करेंगे ना आपके सामने योर चैनल का ऑप्शन नज़र आने लग जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये डेस्कटॉप साइड पे चलेगा, थ्री डॉट पे जा करके आपको डेस्कटॉप साइड कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आपको कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन देखने के मिलेगा, आपको कस्टमाइज चैनल पे टैप कर लेना है दोस्तों। आपके सामने क्रोम ब्राउज़र में आपका एक और फिर से पेज खुल करके ओपन होगा, जो कि आपका चैनल क्रोम में खुल जाएगा, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में आपका स्टूडियो खुल जाएगा। आपको यहाँ पर सारे जो ऑप्शन है ना ये आपको क्लोज कर देना है, वहाँ पर आ रहा है एक, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों नीचे में देखिए, नीचे में, ठीक है, नीचे में जहाँ पे मैं अभी देखो सर्कल करके दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये सेटिंग का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। सबसे पहले हम सेटिंग ही करेंगे यहाँ पर दोस्तों। देखिए जैसे कि मैं इस पर टैप करता हूँ ना, सबसे पहले आपके सामने आएगा जर्नल का ऑप्शन। जैसे दोस्तों आप जर्नल पर टैप करेंगे ना, उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा आपके डॉलर का।
वाइट स्टूडियो में जब डॉलर चमकेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे आप इंडियन रुपीज़ में यहाँ से आप कर सकते हैं। वाइट स्टूडियो में आपके इंडियन रुपीज़ में रुपये चमकेंगे। उसके बाद में दोस्तों नीचे चैनल पे टैप करके बेसिक इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान से समझना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपको क्या भरना है, आपको सबसे पहले ना अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है दोस्तों। यहाँ पे किस कंट्री से हो आप दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इंडिया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे में आपको क्या भरना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से देखिए ध्यान से देखना है, आपका चैनल सर्चिंग में आएगा तभी जब यहाँ पे आप कीबोर्ड को डालोगे दोस्तों। यहाँ पे अपने चैनल के जो कीबोर्ड है ना दोस्तों, जो आपका चैनल का नाम है, छोटे अक्षरों में भी और बड़े अक्षरों में भी यहाँ पर सारा भर लेना है, और एक आध अक्षरों में स्पेलिंग भी मिस्टेक कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे अपने चैनल का जो नाम है ना दोस्तों, आप यहाँ पे भर लीजिएगा अपने YouTube चैनल के नाम को। कई तरीके से भर लेना है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे भर रहा हूँ जो मेरे YouTube चैनल का नाम है, आधे से भी लगा के। मतलब आपको यहाँ पे अपने ढंग से अपने तरीके से कुछ कीबोर्ड डाल लेना है अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। अपने चैनल के माध्यम से जो आपके चैनल का नाम है ना, यहाँ पर वो भर लेने हैं। तीन चार, ज़्यादा से ज़्यादा पाँच छः आपको यहाँ पे कीबोर्ड डाल लेने हैं दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये कैसे इनको ये डैश दे के ऐसे नहीं होता, इन पे तीर का जो निशान है ना वो नीचे उससे दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये करने के बाद में एडवांस सेटिंग में जाना है। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखिए जूम करता हूँ मैं पहले स्क्रीन को। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आपके सामने, आपको इस बीच वाले पे टैप करना है, ठीक है। नोट इट इज़ मेड काइंड पे, ठीक है। ये दोस्तों आपको यहीं पे टैप करे रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इसको राइट रखना है, ये राइट होगा ही, इसको राइट रखना है दोस्तों। और यहाँ पे आपको कहीं छेड़खानी नहीं करनी है इन ऑप्शनों के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इसको राइट इस बीच वाले पर ही रखना है, क्योंकि आपकी जो वीडियो है ना सभी बंदे देखेंगे, यानी 18 साल अगर आप ऊपर वाले पे करोगे ना, 18 साल से नीचे का ही बंदा दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको सेव करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इधर आ जाना है दोस्तों। ये तो आपका चैनल बनाते ही आपको इनेबल हो जाएगा कि ग्रीन हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये सेकंड नंबर का है ना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर खुद ही देख लीजिएगा दोस्तों। जब तक आपका मोबाइल नंबर यूट्यूब चैनल से वेरीफाई नहीं होगा ना, ना ही तो आप अपने यूट्यूब वीडियो पर कोई भी थंबनेल लगा सकते हैं, ना ही लाइव स्ट्रीम कर सकते। तो दोस्तों इस पर मोबाइल वेरीफाई नंबर पर, मतलब वेरीफाई फ़ोन नंबर पर हम टैप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके ओपन होगा। इसको मैं और जूम करता हूँ दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए टैक्स मी द वेरिफिकेशन कोड, आपको इसी पे सेलेक्ट करे रखना है। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट योर कंट्री, आपको इंडिया सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे अपना व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर डाल लेना है और गेट कोड पे टैप कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप गेट कोड पे टैप करेंगे आपके ऐसे में एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड जाएगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों हमारा कोड आ चुका है, जैसे हम इसको यहाँ पे भर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में री एंटर वेरिफिकेशन कोड पे आपको टैप कर लेना है। ये मैंने भर लिया है और यहाँ पे आपको टैप कर लेना है। तो देखिए फ़ोन नंबर वेरीफाई, ठीक है, यहाँ पर ये हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन योर फ़ोन नंबर वेरीफाई, आपका फ़ोन नंबर यूट्यूब चैनल से आपका वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों जो तीसरा जो है ना, देखिए वो भी आपको ग्रीन होगा फिर से दोबारा कर से सेटिंग में जाना है दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद में चैनल में जाना है, चैनल में जाने के बाद में इसमें, ये तो हो चुका है, इसमें जाना है, ठीक है। इसमें जाने के बाद में दोस्तों ये लास्ट वाला जो है ना, आपको ये ग्रीन नहीं दिखेगा और वो दोनों हो चुके हैं दोस्तों। ये दोनों आपको एक्सिस इस पर टैप करना है दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, जैसे आप इस पर टैप करेंगे यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, यूज़ वीडियो वेरिफिकेशन, यूज़ योर वैलिड, और यहाँ पे तो ऊपर वाले पे आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे टैप कर देना है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट पे टैप करना है, उसके बाद में गेट ईमेल पे टैप कर देना है। जैसे दोस्तों आप गेट ईमेल पे टैप करोगे ना, आपके सामने एक डन का ऑप्शन दिखेगा, देखिए डन का आ चुका है, आपको डन पे टैप कर देना है। आपकी मेल पर दोस्तों एक मेल गया होगा, आपकी ईमेल पर एक मेल आया होगा दोस्तों, जो कि इसको वेरीफाई करेगा। दोस्तों सीधा जाते हैं अपने मेल को खोलते हैं तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे गेट वेरिफिकेशन पे आपको टैप कर देना है। जैसे आप उस पर टैप करोगे आपके सामने आपके मोबाइल फ़ोन का एक कैमरा खुलेगा। आई एग्री पे टैप करोगे आपके मोबाइल फ़ोन, मतलब नेक्स्ट पे टैप करोगे आपका कैमरा खुलेगा, आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। और डन का ऑप्शन आ जाएगा, आपका ये फ़ोटो कैच करेगा, डन का ऑप्शन आ जाएगा,
आपको डन कर देना है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट्स में आपको टैप करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का कोई भी टाइटल रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपने किसी चैनल को देखा होगा, अबाउट में गए होंगे, उसमें लिखा रहता है हेलो फ्रेंड मेरा चैनल इस कैटेगरी का है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको पब्लिक सेलेक्ट करना है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पे आप अपने YouTube चैनल के बारे में टैग कुछ लिखना चाहते हैं। उसके बाद में दोस्तों एडवांस सेटिंग में जाना है दोस्तों। एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलाउ ऑल कमेंट्स पे टैप कर देना है, ताकि आपके वीडियो पर जो भी कोई बंदा कमेंट करेगा वो दिखेगी। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे टैप करना है, इस नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में वीडियो लैंग्वेज पे टैप करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी कर लेना है, यानी आपकी वीडियो की लैंग्वेज क्या रहेगी, हिंदी करना। अगर आपकी वीडियो की लैंग्वेज इंग्लिश रहती है तो इंग्लिश करना है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, आप अपनी वीडियो के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हिंदी में रखना चाहते हो या इंग्लिश में। तो दोस्तों यहाँ पे हमें हिंदी में रखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये मेन चीज़ है आपके यूट्यूब चैनल की कैटेगरी, ठीक है। आप इस पर टैप करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे आपको आपकी जो यूट्यूब चैनल की कैटेगरी है ना, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना दोस्तों। जो भी आपकी यूट्यूब चैनल की कैटेगरी है ना, जो आप जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो उस चैनल की कैटेगरी क्या है, जैसे कि कोई पढ़ाई की वीडियो डालता है या मास्टर है टीचिंग लाइन है तो उसको एजुकेशन की डालनी चाहिए। जैसे कोई इवेंट्स कर रहा है दोस्तों, तो आपको इवेंट्स की, और उसके बाद में यहाँ पे सेव कर देना। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे डॉलर वाले सिंबल पर टैप करना है, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन आपके चैनल की यहाँ पे सेफ्टी रहेगी। क्या करेगा दोस्तों, ये जो लॉक है ना, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, इसको दोस्तों कैसे लगाना है दोस्तों इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको ईमेल मी पे टैप करना है यहाँ पर। जैसे आप ईमेल मी पे टैप करेंगे ना दोस्तों, अब इसके बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे मैं सर्कल को करूँगा, आपको टर्न ऑन पे टैप करना है। जैसे आप टर्न ऑन पे करेंगे ना, आपको यहाँ पे लिव पे टैप कर देना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी जो ईमेल आईडी का पासवर्ड बनाए थे ना दोस्तों, आपको यहाँ पर वो भरना है। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आपको ईमेल भी और ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आगे तक आपको बहुत काम देने वाला है। हम दोस्तों यहाँ पे देखिए इस पासवर्ड को डाल लेते हैं दोस्तों, ये आपको अच्छे से डाल लेना है। इसको हम शो करके देखते हैं ठीक डाला हुआ है या नहीं। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि ये पासवर्ड थोड़ा सा गलत है, और इसको हम यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पर टैप करेंगे दोस्तों। जैसे हम दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पर टैप करेंगे ना, और उसके बाद में देखिए ये आपका राइट हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए आपके सामने दिखा रहा हूँ ना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं इसको जूम करता हूँ स्क्रीन को, आपका यहाँ पे मोबाइल भी दिखेगा वन प्लस नोट टू। आपको दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू पे टैप करोगे, आपको यहाँ पर आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल लीजिएगा दोस्तों, जो आप मोबाइल नंबर बनाए थे, ईमेल जिस नंबर से आप बनाए थे वही आपको यहाँ पर डालना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज पे ही टैप करना है। जैसे आप टेक्स्ट मैसेज पे टैप करेंगे, सेंड पे टैप कर देना है दोस्तों, आपके जो मैसेज पे है ना एक टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला कोड पहुँचेगा, ठीक है आपका मैसेज पे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, या तो अपना आप ही यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, या फिर हमको देख करके लाना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि मेरे पे पहुँच चुका है, और मैं देखिए यहाँ पे पहली बार गलत भर गया था, और यहाँ पे मैंने एक बार सही भर दिया है। उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर देता हूँ। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन आपके सामने मिलेगा, आपको यहाँ पर टर्न ऑन कर देनी है। जैसे आप टर्न ऑन करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने ये भी स्टेप कम्प्लीट आपको दिखेगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सीधा अब आपको वॉच टाइम और 1K सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करने हैं, बाकी अब आपका चैनल बन करके दोस्तों रेडी हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं यार आप एक न्यू YouTube चैनल बनाना सीख गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, नीचे मैंने Instagram का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के मुझे मतलब चैट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और YouTube से जानकारी आपको मिलती रहे इस चैनल पर। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।